नागिन की कातिलाना अदाएं। इशिता से इच्छाधारी नागिन तक हुआ इशिता गांगुली का मेकओवर। सीरियल मैत्री में इशिता गांगुली निभा रही हैं झुमकी का किरदार, जो कि एक इच्छाधारी नागिन है जो आई है हर्ष को पाने के लिए। भाई ये नागिन है हर्ष की दीवानी, यानी कि मैत्री की सौतन। भाई सीरियल में नागिन के किरदार में इशिता को खूब पसंद किया जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागिन के इस लुक को पाने के लिए इशिता का मेकअप कैसे होता है, कैसे वो इशिता से इच्छाधारी नागिन बनती है। आज सास बहू और बेटियां में हम देखेंगे नागिन यानी कि इशिता का मेकओवर और देखेंगे इशिता से नागिन बनने तक का ये सफर। तो चलिए सीधा चलते हैं मैत्री के सेट पर। मैत्री शो में एक नए कैरेक्टर एक नए टच के साथ हमारे साथ आज है इशिता। इशिता जो कि झुमकी की भूमिका निभा रही है। इशिता प्लीज़ बताइए किस तरह का लुक होता है, कितनी मेहनत लगती है? बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि यहाँ पे डबल रोल है एंड फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग अ डबल रोल। इच्छाधारी नागिन का किरदार है, फिर झुमकी का किरदार है। पहले गांव की लड़की थी, अभी वो थोड़ी सी उसको थोड़ा सा ग्लैमराइज किया गया है, फिर नागिन तो इस बहुत ही ग्लैमराइज है। एंड इच्छाधारी नागिन पोर्ट्री करना ईजी नहीं है, क्योंकि आप जब आप देखेंगे जब मैं तैयार होंगी उसके ऊपर, फिर जब डायलॉग्स होते हैं कभी कभी इतने बहुत डांस सीक्वेंसेस होते हैं, हमेशा हेवी ड्रामा एंड एंटायर टीम ऑफ प्रोडक्शन टीम क्रिएटिव टीम बहुत मेहनत करते हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू जी टीवी एंड सनशाइन प्रोडक्शन हाउस फॉर चूजिंग मी एज झुमकी एंड इच्छाधारी नागिन। सो फटाफट हम रेडी हो जाते हैं क्योंकि इच्छाधारी नागिन का लुक है, टाइम जाएगा एंड आप लोग भी देखेंगे कैसे मैं इशिता से इस गेटअप से जो कि मैं बहुत ही पर्सनल लाइफ में कैजुअल रहना पसंद करती हूँ एंड मैं बहुत सारे अभी मेकअप एंड कॉस्ट्यूम में आऊँगी। सो फटाफट आ जाइए, चलिए कम। सो ये है नागिन जो मैं बनती हूँ, फुल ब्लैक ड्रेस है एंड ज़्यादा हेवी नहीं है, बहुत सुंदर सा बनाया हुआ है। पर कॉस्ट्यूम मतलब ज्वेलरी जो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइक मांग टीका, पायल वायल एंड लॉट ऑफ स्टफ इज हियर। सो जैसे ये पायल हो गया, ये झुमकी हो झुमका हो गया, फिर ये मांग टीका हो गया, लॉट ऑफ थिंग्स। आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल। आई थिंक इसके बाद जब आप हम देखेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा एंड मुझे लगा नहीं था कि मुझे नागिन लुक में मतलब नागिन में एज इच्छाधारी नागिन मुझे इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा। सो थैंक यू गाइज एंड आई एम रियली हैप्पी। सो मैं अभी नागिन बनने जा रही हूँ। तो भाई इशिता नागिन के कॉस्ट्यूम में आ गई है और देखिए इन्होंने ये लेंस भी लगा लिए हैं, क्योंकि इसी लेंस से नागिन का लुक उभर कर आता है। और अब बारी है मेकअप की शुरुआत करने की। अपने स्किन केयर रूटीन से इशिता करती है मेकअप की शुरुआत और मेकअप के साथ साथ इनका हेयर स्टाइल भी हो रहा है। भाई झटपट से नागिन जो बनना है तो मल्टीटास्किंग तो करनी ही होगी। मेकअप से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करें। पूरा दिन मेकअप में रहना होता है, फिर लाइट धूल मिट्टी, हम लोग बहुत ही हेक्टिक स्किन में शूट करते हैं। तो इट्स बेटर कि आप पहले अपने स्किन को हाइड्रेट कर लें फिर उसके बाद मेकअप करें। यस, सो आई एम मैंने अपने स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर लिया है एंड इसके बाद मैं अपना मेकअप शुरू करूँगी। मैं एक्चुअली बेसिकली एक डे क्रीम लगाती हूँ जिसमें सनस्क्रीन भी होता है एंड वो हाइड्रेट भी करता है। तो ऐसा एक प्रोडक्ट मैं लगाती हूँ एंड वो लगा के मैं अपना मेकअप करती हूँ। एंड बहुत ज़रूरी है कि आप जब आफ्टर मतलब शूट पोस्ट पैकअप के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से अपना मेकअप रिमूव करें एंड फिर उसके बाद दो तीन चीज़ें हैं, हल्का सा टोनिंग, फिर क्लेंजिंग, फिर अच्छा सा हाइड्रेटिंग कोई थिक बात। जैसे मेरे स्किन बहुत ड्राई है तो मैं बहुत थिक मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ रात को ताकि सुबह उठ के एकदम अच्छा रहे स्किन।
मुझे जो नागिन बनाते हैं, झुमकी बनाते हैं, नागिन बनाते हैं, फिर एक अलग साड़ी वाड़ी में झुमकी बनाते हैं, वो है कृष्ण दादा, ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम। एंड बाल जो इतने सुंदर से बनाते हैं, वो है विद्या दीदी, बीना दीदी। तो इनकी वजह से मैं डिफरेंट डिफरेंट लुक बना पाती हूँ। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम बहुत हेक्टिक स्केड्यूल में काम करते हैं, कभी टेलीकास्ट, ये वो, बहुत सारी चीज़ें होती है क्योंकि हाई ड्रामा चल रहा होता है। सो थैंक्स टू माय टीम, थैंक्स टू देम कि ये लोग फटाफट रेडी करते हैं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। एंड आई थिंक दे आर वेरी प्रो। एंड उन्होंने जो यूज़ किया है, बेस लगाया हुआ है पहले, तो अभी तो बेस लगाया है, फिर कॉन्टोरिंग की गई है, अभी शुरू होगी एक्चुअल दिस थिंग दैट आई मेकअप, जिससे नागिन, इट्स ऑल अबाउट आईज, यू नो, आईज एक्सप्रेशन एंड दिस एंड दैट एंड वो सब चीज़ें। सो उसके लिए आँखों को हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अभी आई मेकअप अभी शुरू होगा। कॉन्टोर आई गेस हर लुक के लिए, मतलब आपके फेस को कॉन्टोर जितना होता है, आप फेस उतना अच्छा सुंदर दिखता है। और इस लुक में कॉन्टोरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके फीचर्स शार्प होना चाहिए, क्योंकि आप एक नागिन का किरदार प्ले कर रहे हैं, हर चीज़, यू नो, वो ग्लैमरस, वो ग्रेस, वो एक शार्पनेस, सो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो या बेसिकली इन लोगों ने एक लंबा सा विग लगाया हुआ है, जो पहले ही दीदी रेडी करके रखती है मेरे लिए, एंड सामने से कर्ल हुए हैं। एंड अभी इसके ऊपर दो तीन आई थिंक ज्वेलरी भी आएगा, मांग टीका भी आएंगे। सो अभी एक्सेसराइज बाकी है। सो या वैसे नागिन के इस लुक में सबसे खास होता है आई मेकअप। आंखों पर लेंस तो लग गए, लेकिन आंखों के मेकअप पर खासा ध्यान दिया जाता है। भाई मेकअप और ज्वेलरी पहनकर ये नागिन हो गई है तैयार। तो आइए इशिता से जानते हैं उनके नागिन वाले इस लुक के बारे में। सो फाइनली मैं इशिता से इच्छाधारी नागिन बन गई हूँ। सबसे ज़्यादा जो स्कैरी है, दैट इज़ आई थिंक माई लेंस। जब भी मैंने ये पहली बार पहने अपने आप को देखा था, आई गॉट स्कैर्ड। और पहले में बहुत डिफिकल्ट है ये लेंस लगाना, क्योंकि बहुत थिक लेंस है, कभी कभी मुझे विजन जो ऐसा दिखता है, मतलब बहुत ब्लरी ब्लरी सा दिखता है, बट प्रॉपर क्लियर नहीं है। बट नागिन है एंड बहुत चैलेंजिंग रोल है। जब आप किसी को डसने जाते हो या कुछ अग्रेसिव होते हो, तो ये लेंस आता है, हमेशा नहीं आता। सो ये है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक यू कैन सी द मांग टीका एंड द लाइक
हियर यू कैन सी इट इज हियर एंड दिस इज अ नथ इट्स अ ब्यूटिफुल नथ एंड हाथ में दिस इज अ वन ज्वेलरी आई डोंट नो एग्जैक्टली पंजी समथिंग पंजीरी कुछ तो कहते हाथ हाथ पंजा कुछ तो कहते हैं एंड इस ब्लाउजेज ब्लाउज में बहुत सुंदर अच्छा डिज़ाइन किया गया है वो जैसे आप देख सकते हैं एंड मैं तेरे दुश्मन दुश्मन तू मेरा मैं ना गिन तू सपेरा सो फाइनली आई थिंक सब वेट कर रहे हैं ये मैं इशिता से प्रॉपर नागिन बन गई हूँ तो आंखों का मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी होता है जैसे ग्लिटर एंड आई शेडो आई लाइनर लैश ये हैवी लेंस फिर आंखों के अंदर जैसे आप देख सकते हैं वाइट काजल ताकि आंखों का एकदम लुक वैसे आए नागिन जैसे आंखें बड़ी बड़ी करती हैं एंड बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं नागिन इज़ ऑल अबाउट आंखों के एक्सप्रेशंस तो हमारी टीम ने हमारे प्रोडक्शन हाउस ने चैनल ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है लुक को लेकर सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू जी टी वी एंड सनशाइन प्रोडक्शन हाउस एंड एंटायर टीम इज़ अमेजिंग सुपर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काम करके तो सास बहू बेटिया के साथ मैंने अपना नागिन लुक शेयर किया एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं पहली बार किसी को एक्सक्लूसिवली शेयर कर रही हूँ सो यस एंड कीप वॉचिंग मैत्री मंडे टू संडे जी टी वी पे 6:30 ज़रूर देखिए एंड बहुत ड्रामा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं हम बहुत मेहनत करें पूरी टीम दिन रात लगा के मेहनत कर रहे हैं सो जस्ट कीप वॉचिंग थैंक यू सो मच लॉट्स ऑफ लव इशिता गांगुली तो भाई इशिता गांगुली तो अपने नागिन वाले किरदार के लुक में ढल गई है और सीन भी शूट कर रही है उम्मीद है आपने जाना होगा कि कैसे होता है इशिता का मेकओवर और कैसे वो नागिन बनती है मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें नाम तो आप सब जानते ही हैं सास बहू और बेटियां